आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। हेलो दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, दिल को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं जिन लोगों के लिए बात कर रहा हूं वो लोग मेरे साथ हैं। बहुत धन्यवाद, आप लोग इसी तरह अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए। दोस्तों, बिहारी नहीं दिलेर कहो हमें, बिहार में पैदा हुए इसलिए बिहारी कहते हो तो अब दिलेर भी कहा करो हमें। मन में सवाल उठ रहा है क्यों, क्योंकि छोटी सी उम्र में अपना गांव छोड़कर परदेश में बस जाने को मजबूर होने वाले बिहारी दिलेर ही तो हैं। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों को छोड़ अकेले परदेश में बस जाने को मजबूर बिहारी दिलेर ही तो हैं। 10,000 की नौकरी के लिए परदेश चले जाने वाले बिहारी दिलेर ही तो हैं। अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी न कर पाने की कसर परदेश में नौकरी करके थके होने के बावजूद आधा पेट खाना खाकर सो जाने वाले बिहारी दिलेर ही तो हैं। लेकिन एक बात बोलूं, जब इतने दिलेर हैं तो परदेश क्यों चले जाते हैं? आपने सुना होगा, यूपी बिहार के लोग सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं। 10,000-15,000 के लिए कहीं भी कैसी भी परिस्थितियों में रह लेते हैं, पर वह यूपी बिहार के लोगों को अपने प्रदेश में रहकर अपना रोजगार करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने प्रदेश में नौकरी की बात नहीं कर रहा, मैं प्रदेश में रोजगार की बात कर रहा हूँ। दोस्त, प्रदेश में रहने से अच्छा है अपने गांव में परिवार के साथ रहो, अपनी रोजगार का इंतजाम करो। अपने गांव में भी कई तरह के बिजनेस करने को हैं, क्योंकि अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। अपना रोजगार करने में डर लगता है तो सच में रोजगार करना हिम्मत वालों का ही काम है। रोजगार करने के लिए हमारे पास पैसा हो या ना हो, जिगर होना चाहिए, क्योंकि रोजगार में दान करना पड़ता है, जान को हलकान करना पड़ता है। तजुर्बा मुफ्त में नहीं मिलता, पहले नुकसान करना पड़ता है। अगर हिम्मत है तो उठो अभी इसी वक्त, और दूसरे की गालियां खाने से बेहतर है अपना रोजगार करो। कोई सा भी रोजगार, बकरी पालन कर लो, मधुमक्खी पालन कर लो, आटा मिल खोल लो, पर अपना रोजगार अपने अपने प्रदेश में। जूते चप्पल का कारखाना अपने घर से शुरू करो, या सब बनाने का बिजनेस, बर्तन धोने का साबुन, पानी की डीलरशिप ले लो, डेयरी प्रोजेक्ट्स बिजनेस, या जो भी, जैसे अगरबत्ती बनाने का काम या कुछ भी, पर सफल बनो, हिम्मत करो और लग जाओ। अपने प्रदेश में अपने लोगों के साथ रहकर काम करो, दिलेर हो तो दिलेरी दिखानी भी पड़ेगी, क्योंकि लोग आपको आपकी हैसियत से पहचानते हैं, आपकी अच्छाइयों से नहीं। हौसलों के तरकस में कोशिशों का तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर उम्मीद जिंदा रख। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उससे वक्त पर हासिल कर, क्योंकि जिंदगी मौके कम देती है और धोखे ज्यादा देती है। जैक मा का नाम आपने जरूर सुना होगा, वो बंदा 5वीं क्लास में 2 बार फेल हुआ, 8वीं में 3 बार, यूनिवर्सिटी में भी 3 बार फेल हुआ, जॉब के लिए 30 बार रिजेक्ट किए गए, KFC में काम मांगने 24 लोगों में 23 लोग सिलेक्ट हुए और ये बंदा वहां भी रिजेक्ट हो गया। पर आज चीन के सबसे अमीर आदमी में से एक है और पूरे एशिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान। ये अलीबाबा नाम के ई कॉमर्स बिजनेस के मालिक हैं। अगर इतनी बार कोई दूसरा इंसान रिजेक्ट होता तो वो हार चुका होता, पर उन्होंने हार नहीं मानी। लगे रहो, डटे रहो, क्योंकि इन्हें अपने जुनून पर विश्वास था, और अगर आज ये कहीं नौकरी कर रहे होते तो यकीन मानिए इन्हें कोई नहीं जानता। इन्होंने अपना रोजगार खड़ा किया और दुनिया आज इन्हें सलाम ठोकती है। इसलिए मैं अपने बिहारी भाइयों से कहता हूँ, नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, रोजगार करो, फिर तुम्हें दुनिया झुक के सलाम ठोकेगी। सफलता के लिए खुद को प्रोत्साहित करते रहो, क्योंकि कोई दूसरा इंसान आपको ऊपर उठते नहीं बल्कि नीचे गिरता देखना पसंद करता है। मैं भी बिहारी हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि हम सब बिहारी उठें और अपना एक अलग मुकाम हासिल करें, बिहार को बुलंदियों पर पहुंचाएं। ये हम सब की जिम्मेदारी है। दिखावा नहीं करता मैं, अपने घर के हालात जानता हूँ अच्छे से। समय जरूर लगेगा, पर एक दिन अपना भी महल होगा अपने ही पैसों से। बस हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है और खुद को साबित करके ही दम लेना है। याद रखना दोस्तों, वक्त बीतने के बाद अक्सर ये एहसास होता है, जो छूट गया वो लम्हा बेहतर था। लौट आओ फिर से संघर्षों के मैदान में, अंदाज वही रखना, सिर्फ तरीका बदल लेना, क्योंकि हम बिहारी हैं और बिहारी अपने अंदाज की वजह से दुनिया में जाने जाते हैं। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियां देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।